दोस्तों ये LG LCD का रिमोट है, कर्सर वाला, जिसमें कर्सर भी होता है। ये थोड़ा कॉस्टली भी आता है, मेरे ख्याल से ये 3000 रुपये के आसपास आता है। आप सोच सकते सस्ता आ गया, पहले तो लोकल आते नहीं थे, अब तो लोकल भी आने लगी है इसमें। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें काफ़ी दिन तक उनके सेल पड़े रह गए, हो सकता है उन्होंने शायद इस्तेमाल भी नहीं किया रहा होगा। तो ये देखिए पूरी पत्ती वगैरह सारी गल चुकी है, पूरे पे जंग वंग ये लग चुकी है। तो इसमें सेल उन्होंने डिलीवर छोड़ दिया और वो पूरे लीक हो चुके हैं। तो लीक होने के बाद उनका लिक्विड पूरा, ये सारी जो आप देखेंगे भी, तो ये पूरा ये सारा ख़राब हो गया है, सारा सारी पत्ती वगैरह। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा। देखो ये इधर भी हरा रहा होगा सफ़ेद से, तो इससे मैं बिल्कुल डेड है, काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों इसको एक बार खोल के इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ। स्प्रिंग अगर ख़राब है तो स्प्रिंग चेंज करते हैं। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए पहले आप ये जो किनारा है इसको ले और इसको प्यार से धीरे धीरे, दोस्तों देखिए ये पूरा खोला, पूरा ये सब पूरी पैड भी सारी हो चुकी है। मैं इसको निकाला, ये देखना पूरा सारा PCB भी हल्की हल्की गल सी गई है। तो दोस्तों पहले इसमें ग्रूस मार लेते हैं अच्छी तरीके, थोड़ा सा लिक्विड डाल के साफ भी कर लेते हैं। दोस्तों इसकी सफाई तो हमने कर ली, अब हम इसको एक बार लगा के टेस्ट करते हैं। ये लाइट तो जली है, बटन नहीं काम करे, एक बार ये पैर ही काम करेगी। एक बार ये पैर भी साफ कर लो, यहाँ से भी सोच हो रही है, ये भी किसी लिक्विड से। दोस्तों ये कुछ यहाँ से बटन पूरा गल चुका है, यहाँ से प्रिंट भी गल गया है। इसको पूरा चेक करते हैं, काम तो पूरा था।
दोस्तों ये बटन तो ठीक कर दिया, अब एक बार इसको चला के देखते हैं। दोस्तों ये बटन बार 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 हिल जाता था, तो हमने इसमें बटन यहीं फिट करके यहीं टेप लगा दिया इसमें, जिससे कि बटन, क्योंकि ये पैड है ना पूरी ख़राब हो चुकी है, ये यहाँ पे इसकी जो गम होती है चिपकने वाली वो गम बिल्कुल ख़राब हो गई। हम टेप भी लगा रहे हैं फिर भी नहीं लग रही। तो दोस्तों अब हम इसको बंद करते हैं, क्योंकि कुछ बटन चेक हो जाते हैं, इसमें पूरे बटन चेक नहीं होते। तो दोस्तों अब हम इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मेरे दो चैनल हैं, एक एमकेएस रिपेयरिंग ज्ञान, एक एमकेएस फाइंड सॉल्यूशन, दोनों ही मेरे रिपेयरिंग के चैनल हैं, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं दोनों पर ही लगातार वीडियो डालता रहता हूँ। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।